हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात और संडे का। तो बहुत सारे बच्चों ने इन्वॉल्व किया है उसके लिए टीच मीट में, जिसमें मैंने अभी बैज बनाया है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पेड है कि नहीं है, सर पेड है क्यों है, पेड है ऐसा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बेटा मैंने कोर्स ऑलरेडी आपको यूट्यूब में करा ही दिया है। ये क्रैश कोर्स थोड़ा मुझे, मैंने एनालिसिस किया और मैं अलग सिटी भी आया हूँ, मैंने चीज़ों को पढ़ा समझा और नोट्स वगैरह थोड़ा कंपाइल किया और उससे मैंने एक नोट्स बनाए या बना भी रहा हूँ साथ ही साथ। ऐसा नहीं कि मेरा काम खत्म, मुझे लगा कि शायद ये जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का, ये मैं आपसे भी करूँ। तो मैंने एक बैच ही डिसाइड किया कि क्यों ना एक बैच बना दिया जाए, और ऐसे प्लेटफॉर्म में बैच बनाया है जहाँ पे आप आसानी से टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हैं, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी जो आपके एग्जाम तक रहेगी, आप चाहे जब पूछ सकते हैं, उसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उन लोगों के लिए एक डेमो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, डेमो टेस्ट जो कि आपका होने वाला है 22-10 जुलाई, मतलब आज ही ये टेस्ट होगा 12:01, इसका मतलब स्टार्ट हो गया होगा जब ये वीडियो आपको मिलेगी। ये टेस्ट स्टार्ट 10 मिनट का वीडियो है और नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन होंगे, और ये वीडियो एक्सपायर हो, ये टेस्ट आपका एक्सपायर हो जाएगा 14 जुलाई, क्योंकि 15 जुलाई से हमें बैच स्टार्ट करना है, इसलिए 14 जुलाई तक मैंने ये डेमो टेस्ट आप लोगों के लिए रखा है। इसलिए रखा है इस टेस्ट को कि इस टेस्ट का मेरा रखने का मेन उद्देश्य ये है कि आप जाइए और इस टेस्ट को दीजिए, और इस टेस्ट के बाद अपने आप के ऑब्जर्व करिए कि हमारा स्टैंडर्ड कहाँ पे है। हमारा जो स्टैंडर्ड है इस टेस्ट का, जो मैं अभी आपको दिखाया मैंने, कि आखिर हमारा स्टैंडर्ड है कहाँ, हम किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हमारी किस लेवल की तैयारी है या हम किस लेवल में स्टडी कर रहे हैं, वहाँ से आपको ये पता चलेगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि उस 5 क्वेश्चन को मुझे बनाने में 1.5 आवर लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि मुझे ही एनालिसिस करना, ठीक है एनालिसिस का काम तो मेरा ही रहेगा, मैं ही सबको बताऊंगा कैसा, मगर अगर मेरे पास टीम होती तो मैं ये काम किसको दे देता, अपनी टीम को देख देता, एटलीस्ट वो मेरा क्या करती, आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए ही क्या करती, टेस्ट ऑर्गेनाइज करती, जो आपका हिंदी इंग्लिश बोथ में ट्रांसलेट हो गया है उस टेस्ट को क्या करती, बनाती, ताकि मैं अपना जो बचा हुआ समय जो टेस्ट न बना रहा, और उसके साथ ही साथ जो मेरे स्टूडेंट हिंदी मीडियम है उनके लिए भी, तो हिंदी मीडियम में भी ट्रांसलेटर रखता जिसमें वो हिंदी मीडियम में मेरे इंग्लिश नोट्स को कन्वर्ट करते हैं, और मैं उन्हें हिंदी मीडियम में भी अलग से बैच होता उनका, अलग से ही पूरा का पूरा लेक्चर हिंदी में भी होता और एक अलग से लेक्चर उसका इंग्लिश में भी होता। तो ये कब संभव है स्टूडेंट? ये तभी संभव हो कि जब मैं, इसलिए मुझे अपना बैच या अपना पूरा कोर्स क्रैश कोर्स पेड करना पड़ा, ताकि ये सब चीज़ें मैं इन्वॉल्व कर सकूं और आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज उसमें उपलब्ध करा सकूं। मेरा उद्देश्य बस यही है कि जो समय मैं स्टार्टिंग में मैं 2 से 3 दिन मैं बस पीडीएफ बनाता रहता था, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता था, तो वो समय ना गवाया जाए इसके लिए मैंने थोड़ा पेड कोर्स किया, ताकि उसमें से मैं ये इन जो ये जो पर्सन हैं जो आपके उसके टेस्ट के लिए, आपके ट्रांसलेटर के लिए, तो इसके लिए मुझे वहाँ पे मैं उनको हायर कर सकूँ, उनको मैं दे सकूँ कुछ, जिससे वो मेरे मेरे लिए, मतलब मेरे लिए, आप लोगों के लिए वो टेस्ट को जनरेट कर सकते हैं, बना सके, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए किया है, मगर काफ़ी स्टूडेंट उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये फोर्स तो नहीं करूँगा किसी को, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार जाके उस टेस्ट को दीजिए जरूर, इस टेस्ट को जाइए, उस टेस्ट को जाइए और दीजिए, और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि हम कहाँ पे, हमारी तैयारी कहाँ पे है। उसके बाद आप खुद को, अगर आपको नीड लगे कि नहीं यार ये ज़रूरी है, इसको लेना चाहिए कोर्स को, तो आप बेहिचक उसमें इनरोल करिए, पहले जाइएगा, इनरोल की रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनरोल करने के बाद आप वहां जाके पहले डेमो टेस्ट दीजिए, और डेमो टेस्ट दे के अपने आप को ऑब्जर्व करिए, और उस टेस्ट को दे के फिर देखिए कि सोल्यूशन कैसा है, क्योंकि उसमें मुझे सोल्यूशन भी बनाना पड़ा, वो भी टाइप करना पड़ा, इसीलिए मुझे 1.5 घंटा लगा इस 5 क्वेश्चन के लिए। आप समझ लीजिए, अगर मैं आपको रोज चाहूँ कि हर वीकली या हर 3 डेज 2 डेज में आपको एक प्रैक्टिस पेपर टेस्ट देता रहूँ, तो इसके लिए मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना, मैं आपको तो पढ़ाता रहूंगा, इसके लिए मुझे एक टीम की जरूरत पड़ेगी, और उस टीम को मुझे पे करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये पेड कोर्स रखा था, जिसमें आपको एक बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता था, मगर आई होप मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हो पा रहा। तो मैं कोशिश यही है कि आप मिनिमम 50 स्टूडेंट तो ऐड हो, जिससे कि मैं उस बैच को अच्छे से स्टार्ट कर सकूं, और
मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और एक कंपटीशन बनेगा क्योंकि उसमें आपका पूरा रिजल्ट आएगा, आपकी रैंक आएगी, आपके लेवल आएगा, और वो लेवल कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज वो सब बताया गया इसमें, ठीक है। जैसे आपका टेस्ट बुक में बताता है बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही इसमें बताया गया, ठीक है। बस यहाँ पे हम अपने टेस्ट को खुद से जनरेट कर सकते हैं, फैसे उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जिसमें हम उसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस बैच को रखा है पेड बैच को, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ही होना है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घाटा है। और जो आपका प्राइस है वो कोई ज़्यादा खास नहीं है, 699 रुपीज़ ही है, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा प्राइज है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। और साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स के लिए एक और भी वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके फिलो ऐप से रिलेटेड है, क्योंकि मैं इसको खुद यूज करता हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इसको खुद यूज करता हूँ। मैं 1 से 2 घंटे देता हूँ और 200 to 300 रुपये मैं उसमें अर्न कर लेता हूँ। किसके द्वारा? मैं अपनी योग्यता, जो मेरी कैपेबिलिटी है, मैंने उसमें सिंपल अर्न कर लेता हूँ। मैंने रीजनिंग सेलेक्ट किया, मैं रीजनिंग उसमें पढ़ा देता हूँ, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें मुझे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम फिलो ऐप की अगर मैं बात कर दूँ थोड़ा, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो स्टडी के साथ अर्न कर सकते हैं विद यूजिंग स्टडी, अपनी पढ़ाई का ही यूज करके पढ़ाई से अर्न कर सकते हैं, उसके लिए है फिलो ऐप। आप आराम से डाउनलोड करके आप कभी भी उसमें ऑन करके ऑनलाइन होके जो क्वेश्चन आए उसको क्वेश्चनों का सोल्यूशन दे सकते हैं और अपना पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 14 से 15-14 मिनट भी अगर आप वर्क किसी क्वेश्चन के बताते हैं तो आपको 25 to 30 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई घाटे का सौदा है, और इसमें हमारी पढ़ाई ही इंप्रूव हो रही है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिस आप अरे जिस डिपार्टमेंट से आकर, साइंस है साइंस के करिए, सोशल साइंस उसके करिए, मैथ के करिए, रीजनिंग करिए, 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास किसी क्लास के भी करिए, तो जो आपका ये जो मनी वाला प्रॉब्लम है ना, तो सर मनी नहीं है, बैच कैसे लें, सर पैसे नहीं है, घर वाले से कैसे, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होइए बेटा, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। सेल्फ डिपेंड होइए और उसको यूज करिए, मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने उसी से ही काफ़ी यूज कर करके अपनी जो नीड्स है, अपने जो बैचेज हैं, अपनी जो बुक्स हैं, अपनी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है स्टडी से रिलेटेड, मैं उसी से ही कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे अलग से किसी की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए है, तो मैंने इसलिए बेसिकली मैं इसमें फिलो में एक वीडियो आपको दे दूंगा अलग से कैसे वर्क करना है, और सियोरिटी के साथ आपका 100% में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जैसे बताऊंगा आप वैसे करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि फिलो ऐप का मैं एक बार आपको बता दूं पूरा अच्छे तरीके से, तो कमेंट कर दीजिएगा। मगर उस सब के पहले आप जाइए और उस टेस्ट डेमो को जरूर दीजिए, और टेस्ट डेमो के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि हम कहाँ पे हैं, हमारा लेवल कहाँ पे, क्या हमें इस कोर्स को लेने की ज़रूरत है। अगर लेने की ज़रूरत है तो 100 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस कोर्स को लीजिए और श्योर है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे 50 स्टूडेंट्स की हो जाएगी, मैं बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 50+ स्टूडेंट रहें, ताकि मुझे हर चीज़ मैनेज करने के लिए कुछ, मतलब मुझे मैनेज करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, मैं आराम से हर चीज़ को मैनेज कर सकूं, और टीम को लूं, टीम को मैं अपनी जनरेट कर सकूं, ठीक है। तो आप लोग के साथ बिना साथ के मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा बेटा, इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस बैच को रखा है, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फिलो ऐप से अपना स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ाई का ही यूज करके पढ़ाई के लिए अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं वीडियो थे कुछ, और ये मैं आपको टेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके पहले आप इनरोल करेंगे, इनरोल की रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, मैं उसे अभी के लिए तो मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे टेस्ट, उसमें एक ऊपर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, यहाँ पे लिखा होगा पीपल, यहाँ पे लिखा होगा चैट, यहाँ पे लिखा होगा नोटिस, नोटिस उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा चैट, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड। तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट टेस्ट में जाइएगा, टेस्ट में जाके उस टेस्ट को दीजिएगा, ठीक है। उस टेस्ट को देने के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद यहाँ पर नोटिस बोर्ड है, तो नोटिस बोर्ड में आपको पेमेंट की पूरी डिटेल दी है कि किस किस उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद हमने व्हाट्सएप नंबर दिया, उस व्हाट्सएप नंबर में आप अपना स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, जिससे हम आपका बैच, जिससे हम आपकी सीट क्या कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे, क्योंकि 15 तारीख के बाद या 14 जुलाई के बाद ऑलरेडी वो स्टूडेंट लीव हो जाएंगे जिनकी फीस नहीं जमा होगी, ठीक है। वही स्टूडेंट रहेंगे जितने फीस जमा है, और जो इस चाहते हैं कि नहीं सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ाइए सर, हम टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो
तो इसलिए मुझे कोई यूट्यूब में लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा, मगर यूट्यूब में मैं उस ऐप को नहीं ला सकता जिससे मैं उसको टेस्ट बना सकूँ, हर चीज़ को जनरेट कर सकूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो मुझे उस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ पेड करना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कुछ पर्सन चाहिए जो उस प्लेटफॉर्म में आपके लिए बेटर टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर सके, जिसका एनालिसिस मैं ही करने वाला हूँ, बस वो उनको टाइप करना वो कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ जो मेरी नोट्स हैं उनको और हिंदी में और अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें और उनको पढ़ के फिर मैं आपको एक अच्छे व्यू में एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखवा सकूँ। मैं हैंड रिटन लिखवाऊँगा, साथ ही साथ पैड से आप लिखते जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको PDF स्लाइड कराऊंगा क्रैश कोर्स में, नहीं नहीं मैं लिखवाता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। हो सकता है उस समय न लिख पाए, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके लिखिएगा। कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो एटेजेट आप उसको सॉल्व करेंगे और मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, सो ये थी इस वीडियो का मेन रीजन। आप जाइए उस टेस्ट को दीजिए और खुद ही डिसाइड करिए कि नहीं मुझे क्या करना है। ठीक है, आपके पास नवंबर तक का टाइम है, 286 पोस्टें हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट अगर पोस्ट आपको मिल रही है तो ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम समयों में इस तरह की पोस्टें निकालती हैं। उसके बाद बिहार CGL के लिए भी बहुत ही इजी वे में बैच लाने वाला हूँ, जिसमें रीजनिंग अलग रहेगी, मैथ अलग रहेगी, और मुझे लगता है कि वह बैच 200 रुपये के अंदर ही हो, ये 300 रुपीज़ के अंदर ही होगा, जिसमें बेहतरीन तरीकों के साथ मैं अपने आपको बताऊंगा, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन जो CGL और 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग के, उसे आप 30 मिनट में करके ख़त्म कर देंगे। ठीक, उसमें प्रैक्टिस सेशन रहेगा और साथ ही साथ यूट्यूब में भी प्रैक्टिस सेशन चलेगा, और जो आपके मेन फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे रहेंगे, प्रैक्टिस आपका वहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जाइए टेस्ट दीजिए।